पुत्र मोह में फिर बह गई गौतमा रानी, नहीं देख पाई प्रजा का दुख दर्द। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गौतमा रानी जिसका ओहदा सब रानियों से ऊपर है, पटरानी है वो, मल्हार सरकार की पत्नी है, राजा के बराबर बैठती है, तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें प्रजा की होती हैं। और रानी का जब दर्जा मिलता है तो वो उम्मीदों को पूरा करने वाला दर्जा ही होता है। रानी होने के नाते कई अधिकार भी मिलते हैं, मगर अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी मिलती है। मगर अभी तक मैंने, आपने भी इस धारावाहिक में गौतमा रानी को ऐसी कोई जिम्मेदारी निभाते हुए नहीं देखा है। आज प्रजा का हाल बेहाल है, वहां भी गौतमा रानी सब चीजों को अनदेखा करके अपने पुत्र का श्राद्ध मनाने के लिए बहुत ज्यादा भव्य खर्चा करने की बात कर रही हैं। तो ये गौतमा रानी और माले राव में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाता है दोस्तों, कि दोनों दादी और पोता इस वजह से एक जैसा ही सोचते हैं। चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कोई भी राज्य तभी तरक्की करता है जब राजा और राजा के कर्मचारी एक जैसी थॉट रखते हों, और वो थॉट हो कि राज्य की तरक्की होनी चाहिए। दिन रात उनके दिमाग में यही चलता रहे, जब वो तरक्की होगी तो घर संसार सब कुछ ठीक ठाक बैठेगा। मगर जब वो तरक्की रुक जाती है या आगे नहीं बढ़ती है, तो बाकी सब घरों में भी जो राज्य से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है या दरबारी है, उनके घरों पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए राज्य की तरक्की होना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है, सब तरफ आग की वजह से रोजगार बंद हो गया है, खाना पीना प्रजा का बंद हो गया है। मगर दोस्तों, गौतमा रानी जिनके सामने पहले भी कोषाध्यक्ष ने बात कही है कि इतना धन नहीं है, जब मल्हार सरकार और गौतमा रानी दोनों गए थे कि हम जाके बात करते हैं खंडेराव के शराब को लेके, तब भी ये बात हुई। मगर गौतमा रानी ने उस समय मल्हार सरकार को सांत्वना देते हुए कहा सब हो जाएगा। हमें लगा कि शायद गौतमा रानी के पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सब हो जाएगा, मगर गौतमा रानी फिर से कोषाध्यक्ष के पास जाती हैं और बड़ी सी लिस्ट लेके जाती हैं। पूरे मालवा में वो भंडारे लगाने की बात करती हैं। तो इससे एक ही चीज साबित होती है दोस्तों कि खंडेराव का श्राद्ध उनको वैसे ही मनाना है जैसे पहले हमने देखा था कि माले राव को जब मुक्ता की शादी फिक्स हुई थी तब उनको चाव था कि मुझे मुक्ता की शादी धूमधाम से करनी है। तब भी प्रजा दुखी थी, तब भी प्रजा में हाहाकार थी, तब तो देवी अहिल्या ने संभाल लिया, क्योंकि तब पानीपत की लड़ाई का जो मंजर था वो बहुत ही भयावह था, अभी ये जो हो गया है वो बहुत भयावह है। तो अब दोस्तों देवी अहिल्या भी नहीं संभाल पा रही, क्योंकि देवी अहिल्या के सामने जहां पे प्रजा को संभालने की जिम्मेदारी है, वहां पे अपने राजा को संभालने की जिम्मेदारी भी है और अब रानी को संभालने की भी जिम्मेदारी है। जहां देवी अहिल्या के साथ खड़े होके ये प्रजा का दुख मिटाना चाहिए, क्योंकि खंडेराव की खुशी भी इसी में होती। अगर खंडेराव का श्राद्ध मना के खंडेराव को खुशी देने की बात हो रही है, तो खंडेराव तो सबसे ज्यादा खुश तब होते अगर प्रजा के गौतमा रानी आंसू पहुंचती, इससे बड़ा श्राद्ध और कौन सा हो सकता है। दुखी का दुख दूर करना, इससे बड़ा अच्छा काम क्या हो सकता है। तो गौतमा रानी ये बातें नहीं समझ रही है दोस्तों, इसलिए मुझे लगा कि ये पटरानी गौतमा रानी कब बनेगी। ओधे से तो पटरानी बन गई, मगर कर्मों से कब बनेगी। कर्मों से वही आम औरत की तरह घर अपना और अपने ही बच्चों को देखती नजर आती है। तो मुझे तो इस बात से बहुत ज्यादा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था गौतमा रानी को, बल्कि देवी अहिल्या की मुसीबतें कम करने की जगह, प्रजा की मुसीबतें कम करने की जगह उन्होंने बढ़ा दी है। अब देवी अहिल्या को ना सिर्फ प्रजा के लिए धन एकत्रित करना है, बल्कि गौतमा रानी का चाव पूरा करने के लिए, खंडेराव के श्राद्ध के लिए भी पैसे इकट्ठे करने हैं। मुझे तो ये कुछ जमा नहीं दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.